एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और सॉकर स्किल टेस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकडोनाल्ड सॉकर स्किल टेस्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर क्रिश्चियन जर्नल एबिलिटी सॉकर स्किल टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये मोर एंड क्रिश्चियन ने बनाया था। 1979 में इस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। उस वक्त उन्होंने 45 कॉलेज में लिए थे। उन 45 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उस समय उन्होंने 5 टेस्ट आइटम्स लिए थे। फिर उसके बाद उसने कोरिलेशन लगाने के बाद उन्होंने उसे मॉडिफाई किया और फाइनली 3 टेस्ट आइटम जो है वो मोर क्रिश्चियन जनरल सॉकर एबिलिटी स्किल टेस्ट में है। ये 3 टेस्ट आइटम है। द वेरी फर्स्ट वन इज ड्रिबल टेस्ट, सेकेंड वन इज पासिंग एंड थर्ड वन इज शूटिंग टेस्ट। इन तीनों ही टेस्ट की जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है वो अलग अलग है। जैसे जो ड्रिबल टेस्ट है उसकी वैलिडिटी 0.73 है, उसकी रिलायबिलिटी 0.80 है। पासिंग टेस्ट की जो वैलिडिटी है दैट इज 0.91 बट रिलायबिलिटी इज 0.98 एंड फॉर शूटिंग टेस्ट इट्स वैलिडिटी 0.78 एंड इट्स रिलायबिलिटी इज 0.96। अकॉर्डिंग टू दैट जो सबसे अच्छी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है वो पासिंग टेस्ट की है। इसके बाद हम बात करेंगे हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। तो वी नीड कोन, मार्बल डस्ट, स्टॉप वॉच, मेजरिंग टेप, विसिल, 4 फीट रोप। अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 टेस्ट आइटम्स हैं पासिंग, शूटिंग एंड ड्रिबलिंग, इन्हें कैसे कराना है और इनकी स्कोरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करें अपने सबसे पहले टेस्ट आइटम की, दैट इज ड्रिबल, जो कि यहाँ पर ड्रिबलिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कराया जाता है। उसके लिए हमें जो टेस्ट एरिया चाहिए वो एक सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर जो है वो 20 यार्ड है और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 10 यार्ड। यहाँ पर हमें 12 कोन्स चाहिए, जो हर एक कोन के बीच की डिस्टेंस है वो 5 यार्ड है। हर दो कोन के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 यार्ड पे रखे हुए हैं और इस सर्कल से 3 फीट दूर हमारे पास एक स्टार्टिंग लाइन है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग लाइन के पास खड़ा हो जाता है, उसके पास बॉल होती है। जैसे ही उसे टेस्टर गो का सिग्नल देता है, जब उसे गो का सिग्नल मिलेगा तो वो बॉल को यहाँ से ड्रिबल करना शुरू करेगा और फिर उसके बाद वो यहाँ से जिगजैग मोशन जाएगा और इस पूरे सर्कल को जिगजैग करके ही वो कवर करेगा। जो सब्जेक्ट है उसको 3 ट्रायल दिए जाते हैं। सबसे पहले ट्रायल में वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नेक्स्ट में वो क्लॉकवाइज आएगा और थर्ड ट्रायल में उसे जो भी बेस्ट लगता है या फिर उसकी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो एक बार पूरा ट्रिपल कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग लाइन आने में जितना भी टाइम लेगा वो हर एक ट्रायल का उसका स्कोर हो जाएगा। ऐसे ही जो सब्जेक्ट है वो 3 ट्रायल्स करेगा तो उसके तीनों ही ट्रायल के जो टाइम है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और स्कोरिंग के लिए जो तीनों ही टाइम है इनमें जो भी बेस्ट ऑफ 2 होगा उन दोनों टाइम को हम ऐड कर लेते हैं, दैट बिकम्स द स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर बात करें अपने दूसरे टेस्ट आइटम की, दैट इज पासिंग टेस्ट। पासिंग टेस्ट जो है वो पासिंग एबिलिटी के लिए कराया जाता है और यहाँ पर जो कोन यूज किए जाते हैं उनकी हाइट जो है वो 18 इंच होती है। इसके लेआउट की बात करें या फिर टेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर पहले 2 कोन जो है वो 1 यार्ड की डिस्टेंस पे रखे जाते हैं और इसके ऊपर एक क्रॉस बार रखा जाता है जिसकी जो लंबाई है वो 4 फीट होती है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं यूजुअली, बट जो एक क्रॉस बार है ये 4 फीट का होता है, यानी ये इन दोनों कोन से थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है। फिर यहाँ पर इसके सेंटर से 15 यार्ड पर 3 कोन रखे जाते हैं। जो पहला है वो 15 यार्ड स्ट्रेट रहेगा, सीधे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर ऑलमोस्ट जो है इधर और इधर दो और कोन रखे जाते हैं। इस तरह जो इसका लेआउट है यहाँ पर टोटल 5 कोन्स होते हैं, जो 2 कोन है वो 1 यार्ड की डिस्टेंस पे रखे हैं जिसके ऊपर क्रॉस बार रखा है और ये जो 3 कोन है ये 15 यार्ड की डिस्टेंस पे है और जो डिस्टेंस है वो इस 1 यार्ड के सेंटर से ली गई है। फिर बात करें कि यहाँ पर इस टेस्ट को करना कैसे होता है, तो जो सब्जेक्ट है उसको हर एक कोन से 4 ट्रायल्स मिलते हैं, यानी उसको टोटल जो है वो 12 ट्रायल मिलते हैं। यहाँ पे खड़े होकर उसको बॉल जो है वो पास करनी है। अगर बॉल इस एरिया से जाती है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, बट अगर जो बॉल है वो इन कोन से स्ट्राइक कर जाती है तो उसका 1 पॉइंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। ऐसे यहाँ 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 इन
चार ट्रायल्स जो है वो मिलते हैं, टोटल 12 ट्रायल्स मिलते हैं और हर एक सक्सेसफुल पास के लिए उसको एक पॉइंट मिलता है। अगर जो बॉल है वो कौन से स्ट्राइक हो जाती है तो उसका एक पॉइंट डिडक्ट हो जाता है। फिर बात करें अपने तीसरे टेस्ट आइटम की, दैट इज शूटिंग टेस्ट, जो कि शूटिंग एबिलिटी को एसेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमें जो है फुटबॉल का गोल पोस्ट चाहिए। फुटबॉल के गोल पोस्ट में हम दो हूप्स लगाते हैं, जो हूप्स है उनका डायमीटर जो है वो 4 फीट होता है। तो दोनों ही साइड जो पूरा गोल पोस्ट है उसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर ये 4 सर्कल हो गए हैं और 4 टारगेट हो गए हमारे पास। उसके बाद हम 16 यार्ड की डिस्टेंस पे एक रीस्टेनिंग लाइन बनाएंगे। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और जैसे ही उसे कमांड मिलेगा गो का, उसे हर एक टारगेट में 4 ट्रायल्स मिलते हैं। सपोज उसको यहाँ पर A1 पे टारगेट करना है, तो अगर वो A1 पे सारे टारगेट्स करता है सो फॉर गुड, उसको हर एक क्लियर टारगेट के लिए 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर उसको मारना यहाँ पर है और वो यहाँ पर चली जाती है बॉल, तो उसको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। यानी अगर जो टारगेट है वहां पर बॉल नहीं गई और वो दूसरे वाले सर्कल में चली गई, तो आपको उसके लिए 4 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा कहीं बाहर जाएगी, देन यू विल बी रिवॉर्डेड एज 0 पॉइंट्स। सो अगर उसको B1 पे टारगेट करना है और बॉल जो है A1 में चली जाती है, तो भी उसको A1 पे जाने के 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सो शूटिंग टेस्ट का जो लेआउट है वो ये कि जो गोल पोस्ट है उसको इस तरह 4 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया है। 4 सर्कल्स A1, B1, A2, B2। ये जो सर्कल है ये हूप्स है जिनका डायमीटर जो है वो 4 फीट है, क्योंकि जो गोल पोस्ट है उसकी टोटल हाइट जो है वो 8 फीट होती है। तो यहाँ पर ये दो हूप्स जो 4-4 फीट डायमीटर के हैं टोटल कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हर एक सर्कल को टारगेट करने के लिए उन्हें 4 ट्रायल्स दिए जाते हैं। अगर A1 पे वो टारगेट कर रहे हैं और वो B1 में चली जाती है, तो उन्हें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। A1 में जाने के 10 पॉइंट मिलेंगे, B1 में जाने के 4 पॉइंट। अगर उनका टारगेट जो है वो B1 है, तो यहाँ पर जाने के 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर A1 में गलती से चली जाती है, then they will be rewarded as 4 पॉइंट। तो ये जो है स्कोरिंग का तरीका है। इसके अलावा कहीं बाहर जाएगी बॉल तो 0 पॉइंट। सिमिलरली वो यहाँ पे खड़े होगी, जब A2 को टारगेट करेंगे तो A2 में जाएगी तो 10, अगर A2 की जगह B2 में चली गई तो 4, जब वो B2 को टारगेट करेंगे तो B2 में अगर बॉल गई तो 10, और अगर B2 की जगह A2 में चली गई तो हो जाएंगे 4 पॉइंट्स। तो ये था मोर क्रिश्चियन जनरल सॉकर एबिलिटी स्किल टेस्ट, जो कि 1979 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। उसमें 3 टेस्ट आइटम थे, पासिंग, शूटिंग और ड्रिबलिंग। तीनों ही टेस्ट आइटम के जो लेआउट है, तीनों ही टेस्ट आइटम के जो टेस्ट एरिया है, वो आपको समझ आ गए होंगे। If you have any confusion or doubt, you can ask me in comment section. Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.